अक्टूबर हमारा पिछले 24 घंटे में उड़ीसा का सभी जगह में ड्राई व सूखा वेदर ही था। अभी ये जो ड्राई वेदर है और क्लाउडीनेस भी कम है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ही मेनली क्लियर स्काई है। इसका वजह से सोलर इंसुलेशन भी ज़्यादा है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर व डे टेम्परेचर कुछ कुछ एरिया में स्वाभाविक से 2 से 3 डिग्री तक ज़्यादा हो रहा है। कल हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर हाइस्ट था झारसीगुड़ा में 36.2 डिग्री सेल्सियस, हमारा भुवनेश्वर सिटी में था 34.4 डिग्री सेल्सियस, ये स्वाभाविक से 2.3 डिग्री ज़्यादा था। झारसीगुड़ा में स्वाभाविक से 3.3 डिग्री ज़्यादा था। और फोरकास्ट जो है अभी हमारा मानसून उज्ज्वल का भी कंडीशन फेवरेबल हो रहा है। अगला 2 दिन का अंदर कुछ स्थानों कुछ एरिया से हमारा उड़ीसा से कुछ एरिया से मानसून उज्ज्वल होने का पॉसिबिलिटी है। और फोरकास्ट वेदर जो है अभी हमारा अगला 5 दिन का मोस्टली सभी जगह में ड्राई वेदर रहने का ही चांसेस है। अगला 2 दिन में सभी जगह में ड्राई वेदर रहेगा। 12-13 तारीख में 1-2 जगह में बारिश हो सकता है, मालकानगिरि, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजाम, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। और फिर 14 से फिर ड्राई वेदर रहने का ही चांसेस है सभी जगह में। मैक्सिमम टेम्परेचर और डे टेम्परेचर अभी स्वाभाविक से कुछ कुछ स्थानों पर 2 से 3 डिग्री ज़्यादा होने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ड्राई वेदर रहने का ही चांसेस है और क्लाउडीनेस भी कम रहेगा। भुवनेश्वर सिटी में आज पार्टी क्लाउड स्काई, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 के आसपास रहने का चांसेस है।